Hey, how's it going, everyone? My name is Madip and welcome back, everyone, to my second channel. तो यार गाइस सेकंड चैनल पे आज मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका हूँ ये चीज को देखकर। मुझे पता तुम लोग मुझे काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, मैं तुम लोग के कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। भाई तुम लोग सडनली बहुत ज्यादा खुश हो चुके मुझसे कि भाई स्मार्टी भैया ने फाइनली अपने सेकंड चैनल को जिंदा कर दिया है दोबारा से। एंड कई लोगों ने तो ये तक भी सोचा था कि भाई शायद से बंदा अपना पासवर्ड भूल चुका है, बट ऐसी कोई बात नहीं थी गाइस। एंड आज तुम्हारे स्मार्टी भैया तुम्हारे लिए लेकर आए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल रिएक्शन वीडियो। गाइस लास्ट टाइम मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर तुम लोगों को बोला था कि तुम लोग गाइस मुझे ड्रीम बॉय की स्टोरी बताओ, लाइक ड्रीम बॉय नहीं, जो रियल का हमारा ये ड्रीम बॉय दिख रहा है सामने, इसकी स्टोरी नहीं, हिमलैंड्स के अंदर वाले ड्रीम बॉय की स्टोरी, कि वो बंदा हिमलैंड्स के अंदर पैदा कैसे हुआ, क्या क्या उसके साथ हुआ था पास्ट में। एंड मैंने तुम लोगों को बोला था कि भाई पूरी की पूरी एक मन घड़ंत कहानी बनाओ। एंड भाई साहब इतने सारे लोगों ने वीडियो भेजे, क्या बताऊं मैं तुम लोगों को। तो आज का जो हम लोग पहली वीडियो देखने वाले वो है व्हाट हैपेंड टू ड्रीम बॉय, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ड्रीम बॉय, हैशटैग ड्रीम बॉय की स्टोरी। और ये चैनल है किसका, मिस्टर D1 गेमर्स का। तो सब्सक्राइब एंड लाइक मैंने कर दिया, तुम लोगों ने भी कर देना। एंड 1080 पिक्सल पे देखेंगे भाई इस वीडियो को। एंड सीधा ही शुरू करते हैं। अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ भाई, मैं तो एकदम बढ़िया यार, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया इस चीज के लिए। मैं सारे के सारे हिमलैंड्स गैंग के फैन, लाइक करो भाई वीडियो को। क्या करे तुम लोग, 50,000 लाइक्स क्रॉस करो यार, हमारी चौड़ बढ़ा सेकंड चैनल पे भी। आज मैं तुम लोग को भाई बताने वाला हूँ ड्रीम बॉय की स्टोरी। तो थंबनेल में तुम लोगों ने देख लिया होगा, तो बार बार मैं वही चीज रिपीट नहीं करूंगा। नाइस इंट्रो हम कर देना चाहता हूँ। सैवेज इंट्रो गेम में हिमलैंड्स में ड्रीम बॉय है, मैं उसकी स्टोरी बताने वाला हूँ। ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, एग्जैक्ट जो मैंने बोला था एग्जैक्ट बंदे ने पिक किया भाई चीज को। लव यू मैन, लव यू। गेम की बात कर रहा हूँ। सो स्मार्टी भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं चीज आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कोई भी कॉपीराइट वाला म्यूजिक या फिर सॉन्ग यूज नहीं है, नो कॉपीराइट है। थैंक यू भाई। वीडियो कहीं पे भी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को वहीं पे रोक के कमेंट जरूर कर देना एक। एंड वीडियो अच्छी लगे तो अरे लो भाई, लो कमेंट कर लेता भाई। भाई मजा आ गया। लो भाई ये है हमारा कमेंट, और ये मैंने कमेंट कैसे भेजते कमेंट को भाई, ऐसे करके। चलो गाइस मैंने कमेंट कर दिया, अलग बात है मैंने वीडियो भी तो देखी नहीं है, बट आई थिंक मजा तो आने वाला शायद से यार। एक टाइम की बात है, एक किंगडम था जहाँ का जो कमांडर था उसका नाम था ड्रीम बॉय। एंड भाई उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी था जिसका नाम था फ्रेडी। फ्रेडी एक बहुत ही ईमानदार एंड बहुत ही समझदार साइंटिस्ट था। वो था कौन ये मैं तुमको अभी आगे बताऊंगा तब। ओके गाइस, तो जो किसने बोला है कि वो साइंटिस्ट था कौन फ्रेडी, अब जो तुम में से ट्रू हिमलैंड्स गैंग वाले जो लाइक जिनको हिमलैंड्स बहुत ज्यादा पसंद है, उन लोगों ने 110% जिन्होंने एक भी एपिसोड मिस नहीं किया ना भाई, वो लोग 100% पहचान लेंगे फ्रेडी कौन है। अगर तुम लोगों ने नहीं पहचाना तो दिस मीन्स तुमने सारे एपिसोड देखे नहीं है। तो भाई जाओ मेरी प्ले लिस्ट में गाइस एंड देखो, मजा आ जाएगा तुम लोगों का यार। एंड जिन जिन लोगों को बता भी कमेंट्स करो फ्रेडी कौन है, वेट करो। हाँ तो ये बहुत तगड़ा बंदा है, बहुत ही ज्यादा क्लोज थे और वहाँ का जो राजा था इन पे बहुत भरोसा करता था, उसके लिए लोग बहुत भरोसेमंद इंसान थे। तो ड्रीम बॉय थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा क्या लॉन्डियाबाज प्लेयर था। सही पकड़े हो भाई आप, एकदम सही पकड़े आप। ड्रीम बॉय बहुत बड़ा लॉन्डियाबाज है भाई, उसे चेप होता था। नहीं देखो भाई ऐसी बात नहीं है, ड्रीम बॉय थोड़ा लड़कीबाजी करता है लेकिन भाई वो चेप कभी नहीं होता है, वो सोफिस्टिकेटेड लौंडा है हमारा जो कि लड़कीबाजी करना चाहता है बट होता नहीं है भाई, मतलब कर लेता है वो बट चेप नहीं होता भाई, वो है ना इतना ऐसा बंदा नहीं है भाई, वो ऐसा मत बोलो यार। राजा की एक बेटी भी थी जिसको ये लोग राजकुमारी के नाम से जानते थे। ड्रीम बॉय ने राजा की बेटी को भी राजा के पीठ पीछे पटा रखा था। अब धीरे धीरे ड्रीम बॉय और फ्रेडी के लालच आ गया था जिससे वो लोग अब पूरे किंगडम को हड़पने के लिए सोच रहे थे। देखो भाई ऐसा यार इसने सही पकड़ा एकदम यार, अगर राजा की कोई बेटी और ड्रीम बॉय ना पटाए ऐसा कैसे हो सकता है यार। ड्रीम बॉय हमारा स्टड लौंडा यार, अब ड्रीम बॉय नहीं पटाएगा तो कौन पटाएगा, एसजीओ पटाएगा क्या है, जिसको पाव खाने से फुर्सत नहीं है भाई, मैनर्स के बीच में पाव खा रहा होता क्या। छोड़ो, ड्रीम बॉय ने राजा की बेटी को भी राजा के पीठ पीछे पटा रखा था। अब धीरे धीरे ड्रीम बॉय और के मन में लालच आ गया था जिससे वो लोग अब पूरे किंगडम को हड़पने के लिए सोच रहे थे। फिर उन लोगों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए और अब उन लोगों ने सोच लिया था कि भाई वो राजा को मार ही देंगे। अब क्योंकि वो राजा के लिए बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी लोग थे तो उनके लिए प्लानिंग करने में भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, उनके लिए राजा को मारना बहुत ज्यादा इजी था। लेकिन यार भाई ये देखो ना, अब यार इस पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर यार ड्रीम बॉय वगैरह इविल बना दिया उन्होंने यार, मतलब मुझे काफी दुख हो रहा है यार, ड्रीम बॉय इविल बंदा नहीं है यार। बट लेट्स सी, लेट्स होप कि जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तो यार मतलब ड्रीम बॉय को एज अ पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाए। किंगडम के बहुत सारे सीक्रेट रास्तों के बारे में बहुत अच्छे से पता था। और फिर एक रात वो दोनों राजा को मार देते हैं। पूरे किंगडम में हाहाकार मच गया था, हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी और अब किंगडम का नया राजा फ्रेडी बन गया था। वेट, फ्रेडी को नया राजा बना दिया तो भाई मारा क्यों ड्रीम बॉय ने, फायदा क्या हो गया, इससे बड़ा खुद ही राजा बन जाता यार। ड्रीम बॉय इस डिसीजन से एग्री नहीं था पर वो कुछ नहीं कर सकता था, राजकुमारी को अभी नहीं।
वेट, मुझे एक चीज समझ नहीं है यहाँ पे। देखो, ड्रीम बॉय और फ्रेडी ने दोनों ने मिल के मारा, फ्रेडी हमारा कोई ऐसा मेन कैरेक्टर नहीं, मेन कैरेक्टर जो ड्रीम बॉय है, तो ड्रीम बॉय की जगह पे फ्रेडी राजा बन गया और ड्रीम बॉय चाहता नहीं था बने, बट स्टिल ड्रीम बॉय कुछ कर नहीं पाया, थोड़ी सेंस नहीं बना रही मेरे लिए, बट चलो आगे देखते क्या होता है। ड्रीम बॉय डिसीजन से एग्री नहीं था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। राजकुमारी को अभी नहीं पता था कि राजा को किसने मारा है। अभी फ्रेडी के मन में लालच और बढ़ने लगा था। अब उसने ड्रीम बॉय को मारने का भी ऑर्डर दे दिया था। सब लोग ड्रीम बॉय को ढूंढने लगे। ड्रीम बॉय जल्दी ही उस जगह से निकल जाता है और फिर वो राजकुमारी के पास पहुंचा। वो किंगडम के सीक्रेट रास्तों से होते हुए राजकुमारी को लेकर चुपके से किंगडम से बाहर निकल गया। अभी ड्रीम बॉय समझ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब वो बेबस था और वो अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। उसको एक चीज अच्छे से पता थी कि फ्रेडी के पास फाइटिंग स्किल्स और बहुत सारी ऐसी स्किल्स जो एक राजा के पास होनी चाहिए उसके पास नहीं है। भाई फ्रेडी की भाई एक साइंटिस्ट है, तो पहले मेरे को लगा भाई ये बोलने वाला है कि उसके अंदर सारी वो फाइटिंग स्किल्स वगैरह, तो मैं ऑलमोस्ट बोलने वाला था गलत, एकदम गलत। हमारा जो फ्रेडी है वो नूब है एक नंबर का, और ड्रीम बॉय उसको उल्टे हाथ से मार सकता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो एक राजा वाला काम कैसे कर सकता है? पर ड्रीम बॉय के पास वो सब स्किल्स कूट कूट के भरी थी और वो राजा बनना भी चाहता था। एंड अभी काफी रात हो चुकी थी और उन दोनों को एक इग्लू मिलता है, सो वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। एंड जैसा कि तुम लोगों को पता, मैं किमोची बोल रहा हूं, सॉरी यार, राजा की बेटी और ड्रीम बॉय इग्लू में, क्या बात है। ड्रीम बॉय हमारा कितना हरामी है, सो उसने भाई इस काली घने भाई अगर ये वीडियो एसजीओ देखता ना भाई, एसजीओ क्या हंसता है इस पॉइंट पे भाई, एकदम सही पकड़े भाई तुम, एकदम सही बोला। देरी का फायदा उठा लिया और अब आगे तुम लोग समझ जाओ भाई कि क्या हुआ होगा। देन नेक्स्ट डे ड्रीम बॉय राजकुमारी का भेष बदलवा के उसे एक छोटे से विलेज में छोड़ देता है और उन लोग को समझा देता है कि मतलब इसको छुपा के रखना है यहाँ पे और भाई कोई आया तो बताना भी नहीं है। एंड फिर वहाँ से ड्रीम बॉय निकल जाता है और वो भाई एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जाने वाला था, तो वो सीधा चला जाता है भाई वहाँ से ड्रेविल ब्रदर्स के पास। और ड्रेविल ब्रदर्स यानी तुम लोग समझ चुके होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेड डेविल है, ग्रीन डेविल एंड पर्पल डेविल मतलब परपी, इन तीनों भाइयों के पास। फिर वो जैसे तैसे करके उन लोग को भी समझाता है और उन लोग को बोलता है भाई कि मुझे तुम लोग की हेल्प चाहिए, और वो लोग भी फिर मान जाते हैं और वो लोग अभी ड्रीम बॉय का काम करने के लिए रेडी थे। और मेरे को एक बात समझ नहीं आई, मतलब इसके अकॉर्डिंग ड्रीम बॉय उन तीनों को पहले से जानता था है ना, बट ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टोरी होगी, क्योंकि जो भी तो स्टोरीज तुम लोगों को बनाने गए जो हमारी रियल स्टोरी से भी लाइक हम हिमलैंड में अभी तक जो हो चुका है उससे रिलेट करनी चाहिए, तभी मजा आएगा ना भाई। पर वो लोग फ्री में कुछ नहीं कर रहे थे, एक्चुअली मैं उन लोग के बीच में डील क्या हुई थी वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। तो उनके बीच में डील ऐसा हुआ था कि ड्रीम बॉय ने बोला कि तुम लोग फ्रेडी को किडनैप कर दो हमेशा के लिए। भाई वो भी अभी फ्रेंडशिप तो उसके बीच में थी, तो वो मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बोला मारना नहीं, उसको किडनैप करना है हमेशा के लिए, उसको किडनैप करके रख दो तुम लोग अपने पास। एंड उसके बाद ड्रीम बॉय फिर महल में सबको वहाँ किंगडम में बता देगा कि फ्रेडी मर चुका है, ड्रीम बॉय वहाँ का राजा बन जाएगा। तो भाई फ्रेडी को ही गायब कराने का प्लान बनाया ड्रीम बॉय ने, वो भी उन तीन डेविल ब्रदर्स के साथ। सो दिस इज अ वेरी बिग ब्रेन मूव बाय द वे, अगर देखा जाए तो है ना, कि अगर खुद आप बंदे को रास्ते से नहीं हटा सकते तो ऐसे बंदों से काम कराओ जो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जो डेविल, देखो हमारे हिमलैंड्स के अंदर गाइस एक लॉजिक चलता है, नॉर्मल इंसान लोग है जो कि हम लोग है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है जो कि हमारे हिमलैंड्स का ट्राई हुए, हमको कोई नहीं पेल सकता भाई। इसके बाद आती है एंटिटीज वगैरह है ना, जो किलवे जो होगलाला वगैरह सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, एंड इसके बाद जो हमारे स्ट्रांग आते हैं वो डेविल्स आते हैं, जैसे कि रेड डेविल, ग्रीन डेविल, पर्पी, फिलहाल को ये लोग पता नहीं कहाँ हैं, बट आई थिंक ये लोग दोबारा से वापस जरूर आने वाले अगले सीजन में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट बाय द वे। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो हमारा फ्रेडी है इस स्टोरी के अकॉर्डिंग उसकी पूरी की पूरी जो सेना लेकर अभी अगर वो आ जाएगा ना अपनी, स्टिल वो यहाँ पे हमारे रेड डेविल वगैरह को हरा नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई ड्रीम बॉय ने बिग ब्रेन खेला है भाई स्टोरी के अकॉर्डिंग। बदले में जो लोग किडनैप कर रहे हैं इसके फ्रेडी को, उसके बदले में ड्रीम बॉय ने बोला कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो भाई मेरे पास पूरा किंगडम आ जाएगा, मेरे पास बहुत सारा खजाना आ जाएगा, तो उससे मैं तुम लोग को भी दे दूंगा कुछ थोड़ा बहुत, मतलब डायमंड्स वगैरह दे दूंगा। तो वो लोग रेडी हो गए थे काम करने के लिए। सो ड्रेविल ब्रदर्स में जो सबसे छोटा वाला उनका भाई था मतलब कि परपी, उसके पास भाई एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी थी, वो मतलब किसी का भी रूप धारण कर सकता था, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो चाहे वो कोई भी एंटिटी हो, तुम लोगों को पता ही होगा भाई, तुम लोगों ने स्मार्टीफाई की वीडियो में देखा ही होगा पूरा सीजन 4 उसने विजेट का रूप धारण किया था। तो भाई वो किसी का भी रूप धारण कर सकता था, वो किसी में भी डिस्गाइज हो सकता था। तो उसने भाई फ्रेडी का रूप ले लिया और भाई महल के अंदर चला गया, उसको वो राजा का रूप उसने ले लिया, तो उसको कोई सैनिक कुछ नहीं बोल सकता था, वो महल के अंदर घुस गया चुपके से। एंड उसने भाई बड़ी ही चालाकी से रियल फ्रेडी को किडनैप कर दिया। आई थिंक अब तुम लोग स्टोरी को कनेक्ट समझ गया मैं हिमलैंड से, मतलब हमारा जो फ्रेडी था वही प्रोफेसर है भाई, मेंस प्रोफेसर का रियल नेम फ्रेडी है और परपी ने उसे किडनैप कर लिया था, तो बाद में वही परपी विजेट बन जाता है और विजेट शिप में जो स्मार्टीफाई को प्रोफेसर मिला था वही भाई
फ्रेडी ही है। एंड किडनैपिंग के टाइम परपी के सर में मार दिया था, परपी ने तो उसकी याददाश्त चली गई थी। उसमें वो अपना नाम, ड्रीम बॉय से फ्रेंडशिप सब भूल जाता है, इसीलिए अब उससे कोई उसका नेम पूछता है तो वो नहीं बताता भाई, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है। एंड भाई ड्रीम बॉय अब अपने किंगडम में राज कर ही रहा होता है, उसको 5 से 6 महीने हुए होते हैं। किंग ओडिन ने अटैक कर दिया था उसके किंगडम पे, एंड भाई किंग ओडिन उसका किंगडम हथिया लेता है, और किंग ओडिन की आर्मी बहुत बड़ी है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता भाई ड्रीम बॉय। एंड इसके बाद फिर ड्रीम बॉय बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगता है, बहुत सारा ट्राई करता है, लेकिन भाई सबने मना कर दिया, सबने बोला कि किंग ओडिन से कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता। किंग ओडिन से लड़ने की किसी के पास हिम्मत भी नहीं थी। ड्रीम बॉय को इन सब चीजों से बहुत बड़ा सदमा लगता है भाई, इसके इतने सारे उसके साथ नुकसान हो जाता है, और उस सदमे से वो फिर नॉर्मल हो जाता है, वो किंगडम वगैरह सब भूल जाता है। एंड फिर उसको मिलते हैं एजियो एंड फलाना जी, और उन दोनों के साथ मिलकर फिर वो स्मार्टी भाई को परेशान करने लग जाता है, जो हम लोगों ने सीजन 3 में देखा था, द रिवेंज वाला सीजन। वो जो हमारा मेन किंगडम है वही पहले ड्रीम बॉय का ही हुआ करता था, पर फिर किंग ओडिन ने उसे हथिया लिया था, और फिर हिमलैंड सीजन 3 के लास्ट में वही किंगडम किंग ओडिन ने हमारे स्मार्टी भाई को गिफ्ट कर दिया था। तुम लोग अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी मतलब कि किंग ओडिन ने मेरा बेवकूफ बनाया, साथ ही ड्रीम बॉय ने बेवकूफ बनाया, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता था कि भाई ये किंग ओडिन किस नाम की बला है, एंड देन उसने लाइक ऐसे प्रिटेंड किया कि लाइक है ना ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, लोगों ने अगर देखा मैं जानता तो, नहीं। और फिर वही स्मार्टी भाई से उस किंगडम को ड्रीम बॉय ने ले लिया था, और इसीलिए आज तक भाई ड्रीम बॉय को उस किंगडम से बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि वो ड्रीम बॉय का किंगडम वो पहले से ही था, पहले ड्रीम बॉय को याद नहीं है। और सॉरी ड्रीम बॉय भूल गया था, उसके सर पे कुछ लगा था, ओके समझ गया। लोगों ने देखा होगा कि भले अब उस किंगडम को सब लोग छोड़ के जा चुके हैं, उसमें कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रीम बॉय उसमें आज तक राज कर रहा है, उस किंगडम का राजा आज भी ड्रीम बॉय ही है, अगर तुम लोग ड्रीम बॉय की वीडियो देखते होगे तो। किंगडम से बहुत लगाव है। भाई ये वीडियो बहुत अच्छी थी और इसमें बहुत ज्यादा रिलेटेबल स्टोरीज भी थी, एंड साथ ही साथ इसके अंदर ड्रीम बॉय की एक बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे मतलब ये जो स्टोरी थी ना भाई मजा आया इसको सुन के यार, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली में लाइक वो स्टोरी वाली फील आई है मेरे को, है ना, वो ट्विस्ट एंड टर्न्स भी थे, एंड वो बिट्रेयल भी था, वो मजा भी था, वो वैसे मतलब क्या बोलेंगे उसको, अग्रेसिवनेस भी दिखी मेरे को वो भी दिखा कि लाइक डेस्परेशन सब कुछ दिखा, मतलब मिक्स ऑफ इमोशन सब कुछ था इसके अंदर। सो याद ऐसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद है भाई वाली स्टोरी यार। सो गाइस अभी हम लोग जो सेकंड स्टोरी देखने वाले वो देखने वाले क्रेजी गेमर प्रो 10 चैनल के सब्सक्राइब एंड लाइक मैंने कर दिया है गाइस, ड्रीम बॉय रियल स्टोरी ऑफ हेमलैंड्स। चलो भाई साहब इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन एक सेकंड रुको भाई, ये क्या हैशटैग है भाई, हैशटैग ड्रीम बॉय की सरोरी, वाओ। अरे भाई ये बंदा बच गया, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में सही वाला हैशटैग लगाया हुआ था, ये वीडियो मुझ तक कभी पहुंचती भी नहीं भाई साहब, ऐसी गलती मत करना गाइस तुम लोगों ने। डिस्क्रिप्शन में गाइस मैं अगली स्टोरी जो तुम लोगों को बनानी है वो बनानी है हैशटैग किमोची की स्टोरी, स्पेलिंग देख लो, अगर स्पेलिंग याद नहीं हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हैशटैग दिया हुआ है, उसको कॉपी पेस्ट कर देना अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, हैशटैग किमोची की स्टोरी, ठीक है ना भाई, ऐसी खतरनाक स्टोरी बनाओ कि मजा आ जाए मेरे को भाई, बहुत जल्द रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा उस पर मैं बहुत जल्द। तो ड्रीम बॉय यानी कि मास्क पहनी हुई चुड़ैल, ओ माय गॉड, इतना एपिक इंट्रो मैंने आज तक नहीं देखा भाई, एक बार भाई ये चीज तो मेरे को ड्रीम बॉय को भेजनी पड़ेगी भाई, उसका तो रिएक्शन मुझे देखना तो पड़ेगा। ड्रीम बॉय यानी कि मास्क पहनी हुई चुड़ैल, हाँ तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले और जानेंगे इनकी स्टोरी। तो एक सुंदर से विलेज में 3 दोस्त रहा कर, व्हाट द हेल, कितना सुंदर विलेज है एक्चुअली में ब्रो, इस टाइप का विलेज, एक बात मैं तुम लोगों को बताऊं गाइस, आई थिंक जितना मुझे पता है बहुत पुराने वाले माइनक्राफ्ट के वर्जन के अंदर इस टाइप के विलेज हुआ करते थे एक्चुअली में, क्योंकि मैंने बहुत पहले खेला था, बहुत पुराना वर्जन तो था यार, ओह माय गॉड। तो एक अब सुंदर से विलेज में 3 दोस्त रहा करते थे, एजियो, फलाना और ड्रीम बॉय, ये तीनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद फलाना जी बुरी संगत में पड़ जाता है और वो एक बात बताऊं फलाना जी बुरी संगत में नहीं पड़ सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा बुरी संगत किसी की है ही नहीं है, वो जिसकी संगत में चला गया उसकी संगत बुरी हो जाएगी, समझे तुम लोग, फलाना जी इज लाइक एट द टॉप ऑफ बुरी संगत, समझे ना तुम लोग भाई, अगर अभी भी समझे ना भाई तो तुम लोग अच्छी संगत में हो, मत समझो इस बात को जो मैंने बोला। एंटिटीज के साथ मिल जाता है और काला जादू भी करना सीख जाता है, और एजियो को भी अपने नए दोस्त सुरेश और गुल्लू मिल चुके थे, तो अब ड्रीम बॉय बेचारा अकेला हो चुका था, उसके पास कोई नहीं था जिससे वो बात कर सके, और अब वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था। लेकिन एक दिन जब वो कुछ लोगों से बचते हुए भाग रहा था, तभी वो पहुंचता है नेदर में, और वहां गलती से उसे मिल जाता है एक दोस्त, हीरो ब्रायन। मैंने देखा है हमारे हिमलैंड के अंदर हीरो ब्रायन की एंट्री कैसे होती है, नेदर के अंदर मिलता है ड्रीम बॉय को, के पास गलती से सारी खतरनाक पावर्स थी। तो अब ड्रीम बॉय और हीरो ब्रायन को एक और नया दोस्त लाइब्रेरियन मिल चुका था, जो कि सुरेश और गुल्लू का ही एक दोस्त था। लेकिन एक दिन हीरो ब्रायन ड्रीम बॉय को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उस समय पे हीरो ब्रायन अपने कंट्रोल में नहीं था, उसे किलविश और किंग ओडिन ने मिलके कंट्रोल में कर रखा था। और एक
मेन बात बताऊं मैं तुम लोगों को गाइस, भाई ये हीरोइन गया कहां? आई हैव नो आइडिया। फिर ये ड्रीम बॉय दूसरे टाइमलाइन से जीरो ब्राइन को लेकर आया था, उसको तो भाई मैंने भगवाया था, वो तुमको याद है मैंने ड्रीम बॉय के साथ स्कैम किया था, बट हीरो ब्राइन कहां गया? आई हैव नो आइडिया। हीरो ब्राइन अपनी सोचने समझने की क्षमता खो बैठा था, इसीलिए हीरो ब्राइन उन दोनों को ही छोड़ के चला जाता है। ये सब किल्विश और किंग ओडिन का प्लान था ताकि वो हीरो ब्राइन को ड्रीम बॉय की हेल्प से नेदर से निकलवा कर, और फिर हमें पता चलता है जीरो ब्राइन के बारे में, जिसको उस टाइमलाइन का किल्विश अपने कंट्रोल में करने ही वाला था, लेकिन तभी मेन टाइमलाइन वाला ड्रीम बॉय आके उसे ले जाता है, जिस वजह से उस टाइमलाइन का किल्विश उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता। और मेन बात तो गाइस ये है यहाँ पर कि जो एक किंग ओडिन है भाई साहब, ये किंग ओडिन भाई दोगला इंसान है, इसने स्टार्टिंग से लेके मेरे साथ इतनी अच्छी दोस्ती बनाई कि भाई मुझे लग ही नहीं रहा था कि इसका जो चेहरा है ना उसके पीछे किसी और ही बंदे का चेहरा है। ये बहुत ज्यादा ईविल है भाई। अभी तुम लोग देखो हिमलैंड की जो अगली जो मेन वीडियो आने वाली है भाई, देखो वेट करो, कुछ दिन में आने वाली है भाई साहब, तुम लोगों को पता चलेगा क्या आदमी है। ये आदमी नहीं है भाई, ये भेड़िया है, एक नंबर का भेड़िया है ये भाई। मेरे दोस्तों की क्या बैंड बजाई थी इसने यार, मुझे क्या छोटा भी ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, जस्ट वेट फॉर द मेन वीडियो। सेफ हो जाता है, और अब किल्विश इतना कमजोर हो चुका है तो वो फ्यूचर में जरूर हीरो ब्राइन की पावर्स का यूज कर सकता है, और किल्विश ने ड्रीम बॉय का यूज करके हीरो ब्राइन को नेदर से तो निकलवा लिया था, और अब वो ड्रीम बॉय के खिलाफ ही हीरो ब्राइन का यूज करे, क्योंकि ड्रीम बॉय से हीरो ब्राइन पहले ही नाराज हो चुका है। और अभी मेन सीरीज में ड्रीम बॉय का वैसे ही बैड लक चल रहा है क्योंकि हुगा लाला उस पर अटैक करता है। मिलता है किसी और वीडियो में, तो बाय बाय। ऐसी की तैसी 2 मिनट की वीडियो बनाई है मैं भाई, ये वीडियो जैसे इंटरेस्टिंग मोड लेने लगी उसी टाइम बंदे ने बोल दिया ओके बाय बाय गाइस मैं चलता हूँ अगली वीडियो में मिलते हैं। अरे नहीं यार, ये तो आधी अधूरी स्टोरी बताई भाई जी आपने यार, ये तो गलत बात है यार। गाइस देखो, अगर तुम लोगों को ये स्टोरीज बनानी है तो 2-2 मिनट की मत बनाओ यार, एटलीस्ट 4 मिनट की तो बनाओ, मिनिमम 4-4.5 मिनट की बनाओ, ठीक है ना। अगली बार से मैं वही वीडियो चूज करने वाला जो मिनिमम 4.5 मिनट की होगी, लाइक 4 मिनट समथिंग की होगी मिनिमम, 2 मिनट की नहीं भाई, आधी थी यार, बट स्टिल ओवरऑल मजा तो आया यार इसमें भी, क्योंकि यार इसने मुझे किंग ओडिन की याद दिलाई, एंड किंग ओडिन का नाम याद करते ही मुझे ऐसा ना ऐसा मारने का मन करता है उसको, सच्ची बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। खैर छोड़ो गाइस, अभी फिलहाल को मैं इतना रखने वाला, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है किंग ओडिन का नाम सुनकर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करने की। आगे अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, #kimochi_ki_story नाम याद रखना गाइस, फटाफट वीडियोस बनाओ। तुम लोगों को मैं 3-4 दिन का टाइम दे रहा हूं, मैं फिर इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगा भाई, ठीक है ना गाइस। तो फटाफट गाइस वीडियो अपलोड कर दो, चैनल बने हो गए तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को भी, बिकॉज इस चैनल पे मैं बहुत धांसू कंटेंट फ्यूचर में लेकर आने वाला भाई, रियल लाइफ कंटेंट भी शायद से मैं इस पे डाल सकता हूं। सो या गाइस, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना, और मैं बता दूंगा ऐसी धांसू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ऑसम गाइस, बाय बाय।